मेरे को लगा चलो कोई नहीं, नहीं आएगा तो एक और टेस्ट था शाम को, वो दे लेंगे। कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मेरे को, करनी नहीं थी कोडिंग, लेकिन जैसे हम सोचते हैं वैसा होता नहीं यार। डू यू रियली लव कोडिंग वगैरह? तो मैंने कहा सर एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है ना, मतलब जब रियलाइजेशन होता है कि यार अब बहुत लेट हो गया। और भाई जब प्लेसमेंट लगती है ना, वो सारी जो जितनी मेहनत है ना, ऐसे लगता है कि भाई करते हैं भाई आज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस स्टार्ट। सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज यार। बेसिकली हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने वाले हैं। कंपनी का नाम अभी हमारी डीटी पॉलिसीज के हिसाब से रिवील नहीं कर सकते, बट जल्दी आपको डिस्क्रिप्शन उसमें टाइटल में और अपने थंबनेल में दिख जाएगा, ठीक है। सो ही इज अजय एंड करंटली इज प्लेस्ड भाई अपना सही फोर्थ ईयर में एंड आईटी ब्रांच सेम ब्रांच है हमारी, बट जस्ट ही अदर सेक्शन में ये सीन है हमारा। तो अजय भाई थोड़ा बताओ भाई अपने बारे में थोड़ा और। तो यार मेरा नाम सबसे पहले तो सार्थक भाई, काफ़ी मज़ा आ रहा है पूरे प्लेसमेंट सीजन में, ठीक है। और यार धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम अजय राज है यार, और मैं डीटीयू, जैसे सार्थक भाई ने बताया, डीटीयू आईटी का स्टूडेंट हूँ, फोर्थ ईयर में हम दोनों अभी। और रिसेंटली मेरी भी प्लेसमेंट लगी थी यार अगस्त में, तो यही है कुछ। तो करते हैं भाई आज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस स्टार्ट। और एक चीज़ यार, मतलब मैंने प्लेसमेंट के लिए पढ़ना काफ़ी लेट स्टार्ट करा था, मतलब मान के चलो यार 2-3 महीने पहले मैंने स्टार्ट करा था प्रिपरेशन प्लेसमेंट का, और थोड़ा बहुत एफर्ट मार के, थोड़ा बहुत यार लक की वजह से आई गॉट प्लेस्ड। सही है। तो भाई मतलब भाई का एक यूट्यूब चैनल है, काफ़ी लोग जानते होंगे, मतलब काफ़ी भाई एक्टिव है और काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, तो देखना ज़रूर से वो चीज़ भी। तो भाई सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि जैसे तू यूट्यूब भी करता है ना, और लास्ट में तेरे को जैसे तूने बताया कि कम टाइम मिला, तो यार थोड़ा अपनी कोडिंग जर्नी के बारे में बता, क्या सीन रहा? यार कोडिंग जर्नी के बारे में मैं बताऊँ ना, मैंने कोडिंग करना स्टार्ट करा था, मतलब मेरे पास 12th में थी कोडिंग। अच्छा। लेकिन वहां पे गया था, मेरे पास थी पाइथन, और मेरे को भाई आज तक समझ नहीं आई थी, मतलब 11th 12th में तो बिल्कुल ऐसा था, मेरे को कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को करनी ही नहीं थी कोडिंग, लेकिन स्कूल वालों ने कंपलसरी दे रखी थी। अच्छा। हमने काफी बार एप्लीकेशन लिखी भाई हमें नीचे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा लेनी पड़ेगी। और एट द एंड होते होते मतलब यार कंप्यूटर में जो मेरे ग्रेड्स थे वो बहुत बेकार थे, मतलब काफी कम नंबर थे मेरे कंप्यूटर में, जो बोर्ड वगैरह हुआ था मेरे को एंड तक समझ नहीं आई थी। अब वो क्या भाई आई टी में एडमिशन भी हो गया डीटीयू में, तो फिर सोचा यार अब जब सब कर रहे हैं तो करनी पड़ेगी मुझे भी। तो मैंने क्या करा था, मैंने एक छोटा सा इंस्टीट्यूट वगैरह घर के पास जो 12वीं के बच्चों को सिखाते हैं ना कोडिंग, मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। मैंने कहा पहले सी लैंग्वेज सीख लेते हैं, क्योंकि वो सेमेस्टर में भी थी, तो वहां से मैंने सीखना स्टार्ट करी सी लैंग्वेज। अब हुआ क्या, मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया, और भाई सी लैंग्वेज आ गई मेरे को। उसके बाद फिर यार मतलब कंसिस्टेंट मैं नहीं था, मैंने सोचा यार और भी चीजें ट्राई करते हैं, तो कोडिंग वगैरह एक तरीके से मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। कभी कभी था यार स्टार्ट करता था मैं, ठीक है, अब जैसे जो अपने साथ के बंदे थे उनको देखता था भाई वो कोडिंग वोडिंग कर रहे हैं, वो कोड फोर्सेस कर रहे हैं, कोड से वगैरह कर रहे हैं, कहते थे कुछ नहीं करना तेरे को, तू एक A2OJ करके एक लैडर होती थी, A2OJ है ना, तो वो मेरे दोस्तों ने बोला ये करना स्टार्ट कर दे, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। कुछ समझ आता नहीं था, मतलब ब्रूट फोर्स लगा के दोस्तों से पूछ के हो रही है नहीं हो रही है, फिर वो छूट जाता था क्योंकि वो मोटिवेशन बनती नहीं थी। तो फिर मैंने यार स्टार्ट करा था 3-4 महीने पहले, मतलब पहले तो यार मैं 2-2 घंटे ही कर रहा था, इतना सीरियस नहीं था, लेकिन फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है ना, मतलब जब रियलाइजेशन होता है कि यार अब बहुत लेट हो गया, इससे लेट हो गया ना तो होगी ही नहीं फिर। बिल्कुल। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यार फिर मतलब कोडिंग वोडिंग करना स्टार्ट करा, मतलब मैंने क्या कर रखा था, मैंने बेसिक्स कर रखे थे ऑलरेडी, जैसे यार अपना थर्ड सेमेस्टर में था ना डेटा स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल, तो वहां पे क्या क्या मैंने ट्रीज वगैरह कर रखा था, ऊपर ऊपर से जो ट्री बनता कैसे है, एडिशन वो डिलीट कैसे करते हैं उसमें से एलिमेंट वगैरह, ये सारी चीजें मैंने थोड़ी बहुत देख रखी थी, तो ऊपर ऊपर का मेरे को डेटा स्ट्रक्चर्स का आइडिया था। अब उसके बाद क्या हुआ यार, जैसे जो अपने सीनियर है यार कॉलेज के, काफी बढ़िया सीनियर है, जैसे यार मुझे गाइड करा था फराज भैया ने, निशान भैया ने, बब्बर भैया ने, तो इनसे मैं पूछता रहता था कैसे करना। तो ये चीज मैं बोलूंगा यार कि मतलब एक जो गाइडेंस होती है ना यार सार्थक, वो काफी सही थी, मतलब वो उन्होंने मेरे को बताया। मैं सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा था, मैं दोबारा उसी पैटर्न में स्टार्ट कर रहा था जैसे मैं हमेशा करता था, एरे कर लिया, लिंक लिस्ट कर लिया, और बार बार क्या होता था लिंक लिस्ट पे आके खत्म हो जाता था, मतलब आगे मोटिवेशन ही नहीं मिलता था। तो इस बार भी मैंने एरे करा, लिंक लिस्ट थोड़ा सा मैंने करा, तभी फराज भाई ने मेरे को कहा यार ये नहीं करते, इस बार हम जाते हैं रिकर्जन पे पहले। और मैंने रिकर्जन पहले नहीं कर रखा था बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी नहीं आता था मेरे को, तो इसलिए हमने रिकर्जन पे पहले टाइम दिया, ट्रीज पे पहले टाइम दिया, और ऐसे करते करते मतलब ये पूरी जर्नी चली। इंटर्नशिप नहीं लगी जैसे, है ना, तो अब भाई क्या प्रेशर था क्या उस टाइम पे कि अब प्लेसमेंट में जैसे इंटरव्यू के टाइम पे डिस्कस क्या करूंगा, क्योंकि सीनियर जैसा बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए डिस्कस करने के लिए, उसका बताओ। हाँ
मतलब यार जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में तो मेरे को काफी लगा कि यार मैंने ना इंटर्नशिप कर रखी है, इतना कुछ भी नहीं कर रखा, मतलब वो बात अलग है। मैंने यूट्यूब के साथ काफी ब्रांड्स के साथ काम कर रखा था, तो वो मैंने लिख दिया था यार उसमें। अच्छा। मैंने कहा रिज्यूमे भरना ही है तो यार कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, मतलब ऐसे खाली तो भर नहीं सकते, इसलिए मैंने वो अच्छे से फ्रेम करके सारी चीजें उसमें लिख दी थी वैसे। लेकिन फिर भी एक डर था यार, मतलब काफी सारे लोगों ने इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, मैंने नहीं कर रखी इंटर्नशिप तो क्या होगा। लेकिन फिर जैसे यार सीनियर के कॉन्टेक्ट में और आता गया तो उन्होंने कहा यार इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाता है। अगर तुम मतलब डीटीयू में स्पेशली अगर तुम हो तो बिना इंटर्नशिप के भी आराम से तुम प्लेसमेंट निकाल सकते हो, तो एक वो मोटिवेशन था, तो कोई दिक्कत परेशानी हुई नहीं इतनी। फिर जो हम ऐसे सोचते हैं कि कॉम्पिटिटिव चाहिए डीटीयू में, सीजीपीए इशू रहेगा, उसके बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताओ। यार सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव की बात करें ना, तो एक जैसे अपने क्लास के लौंडे हैं वो यार अनिमेश हो गया, संयम हो गया, उत्सव हो गया, तो मैं इनके साथ रहता था पहले क्या भी दोस्ती यार अपने तो इन्हीं के साथ निकलता टाइम। लेकिन कोडिंग करते तो मेरे को बताते थे यार ये कोड फोर्सेस कर ले, मतलब तूने सी लेवल तक के कर लिया ना तेरी प्लेसमेंट लग जाएगी, तो उन्होंने मेरे को स्टार्ट करवा दिया था कोड फोर्सेस करना। लेकिन भाई मेरे वो पल्ले नहीं पड़ा आज तक, मतलब थोड़ा बहुत मेरे को पता था यार क्या होता है, क्वेश्चंस मतलब एक अप्रोच से डेवलप हो गए थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करे थे मैंने, लेकिन मेरे को पता चल गया था मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस है उसमें, थोड़ा बहुत तो मैंने थोड़ा बहुत करा कंटिन्यू, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था यार वो। तो मतलब डायरेक्ट कोड फोर्सेस उठवाया था इन्होंने मेरे से, इन्होंने कहा डायरेक्ट कोड फोर्सेस पे आ जाओ, तो मतलब हैकर रैंक वगैरह सब कुछ नहीं, कोड फोर्सेस स्टार्ट कर, तो ऐसा सीन चल रहा था। हाँ वही चीज यार। और बाकी बात रही यार जैसे सीजीपीए का बोला सार्थक भाई, तो यार सीजीपीए मेरी मतलब 7.34 थी वैसे, तो स्टार्टिंग से ही मतलब इसी के आसपास थी यार, 7.1 थी, एक सेमेस्टर में कम हो गई थी यार काफी, 7.64 हो गई थी। अच्छा उस वजह से थोड़ा बहुत मेरे को लगा यार इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो 7 के आसपास ही रही। और बाकी यार ऑनलाइन सेमेस्टर मतलब सबके लिए बढ़िया रहा सबसे सही। थोड़ा भाई इसके ऊपर आते हैं, लाइक कोडिंग राउंड कैसा था नई कंपनी का, उसके बारे में बताओ यार। जैसे मतलब इससे पहले भी मैंने काफी कंपनियों के कोडिंग राउंड वगैरह दिए थे, तो मैक्सिमम जहां तक मैंने देखा है जो तगड़ी तगड़ी कंपनीज अपनी या तो ग्राफ के क्वेश्चंस पूछ रही हैं या तो डीपी के क्वेश्चंस पूछ रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ रही थी अदर कंपनीज। लेकिन अगर उसके अलावा थोड़ी बहुत मैं ऐसे कंपनीज की बात करूँ जितना जिन जो थोड़ी मतलब यार ए प्लस से नीचे कंपनीज आती है ना, तो उनमें ट्रीज के क्वेश्चंस भी आ जा रहे थे, स्टैक के क्वेश्चन भी आ जा रहे थे। अब जो मेरी कंपनी का इंटरव्यू था उसमें मेरे से यार एक ट्री का क्वेश्चन था, ठीक है, और एक स्टैक का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो यार जितने भी कोडिंग राउंड मैंने पहले दिए थे उनसे कंपैरेटिवली आसान था यार वो। आसान था एंड दे वर डूएबल, मतलब हो रहे थे वो क्वेश्चंस। हाँ, वो यार उतने भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे बहुत, मतलब जिन्होंने जो बेसिक कर रखा है ना, मतलब जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बोलते हैं यार हम, अच्छा, जिन्होंने वो कर रखा है वो कर सकते थे वाले क्वेश्चंस। वैसे एक क्वेश्चन मैंने गड़बड़ कर दी थी, जैसे मैंने बताया भी पहले यार कि स्टैक बनाना था उसमें, एसटीएल यूज नहीं हो रहा था उसमें, तो स्टैक बनाना था, मैंने जो स्टैक का साइज है वो मैंने 1000 ले लिया था, मतलब एरे का साइज मैंने 1000 ले लिया था स्टैक बनाते हुए। तो वहां मेरे को लगा कि यार कुछ टेस्ट केस नहीं चलेंगे इसमें, मतलब एक दो इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ लिया था मैंने ओपो के, तो वो मतलब मैं सही बताऊं वो काफी सही हेल्पफुल था काफी ज्यादा। मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मैंने इतने पढ़े ना पूरे जर्नी में, स्टार्टिंग जब हमारे कॉलेज में कंपनियां ना स्टार्ट हुई थी तब से मैं हर कंपनी का देखे जा रहा था क्या क्वेश्चंस पूछने क्या नहीं पूछ रहे, तो एक वो सेट ऑफ क्वेश्चंस पता चल गया था जो कंपनीज पूछ रही हैं। और ये चीज मेरे को पता चल गया यार, मतलब ज्यादातर कंपनी फोकस कर रही है ट्रीज पे इंटरव्यू में स्पेशली, कोडिंग राउंड में नहीं, ट्रीज पे और अपना लिंक्ड लिस्ट पे और हैशिंग के क्वेश्चंस, इन तीन से काफी क्वेश्चंस पूछने, तो ये तीन टॉपिक्स तो मतलब यार कर लिए थे अच्छे खासे। अब बात रही मेरा इंटरव्यू जब आया तो मैं भाई शौक था कि यार मेरा इंटरव्यू आ गया। अब नेक्स्ट डे था मेरा 10 बजे इंटरव्यू, 25 अगस्त को था मेरा इंटरव्यू सुबह 10 बजे, और मेरी मतलब लाइफ का पहला इंटरव्यू था, और थोड़ा बहुत यार मतलब वो नर्वसनेस होती है इंटरव्यू के टाइम पे। फिर भाई इंटरव्यू राउंड में मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग से अपना इंट्रो से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद कैसा रहा था, मतलब जब हर कंपनी पूछती है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ है ना, थोड़ा बहुत काम डाउन करने के लिए, तो मतलब मैं थोड़ा नर्वस था, तो मेरा वो जो इंटर वाला पार्ट था वो थोड़ा बेकार हो गया था यार। अच्छा। मतलब काफी मैं फंबल ऊपर नीचे कर गया था, होता है यार नर्वसनेस थी थोड़ी सी, उसके बाद सब सॉर्ट हो गया था। हाँ, तो अब स्टार्ट होते ही उन्होंने मेरे से मतलब मैंने इंट्रो कुछ ऐसे प्रिपेयर करा था कि यार मैं प्रोजेक्ट वाला पार्ट एंड में थोड़ा सा बता दूं मैं। अब जैसे यार होता ही क्या, मतलब जैसे उत्सव ने काफी इंटरव्यू दिया था, उसने मेरे को बताया था कि हमेशा ऐसे आंसर्स बताइए कि जिसमें जो चीजें तेरे को आती है ना यार वो चीजें जरूर इंक्लूड करियो अपने आंसर्स में। और मतलब इंटरव्यू को
तू डोमिनेट करियो, ऐसा इंटरव्यू दियो अपना। तो वहां पे मैं बोलूंगा वो टिप काफी हेल्पफुल थी, मतलब मैंने उसको एंड करा किसके साथ, अपना प्रोजेक्ट्स के साथ। तो मेरे से प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे यार उन्होंने। और हाँ, प्रोजेक्ट मैंने जैसे यार दो टॉपिक पे बना रखे थे मैंने, मतलब फ्रंट एंड पे ही था मेरा, पूरा फुल स्टैक नहीं था। तो मैंने एक तो बना रखा था सॉर्टिंग विजुअलाइजर, अच्छा हाँ, और दूसरा मैंने बना रखा था यार स्प्लिट बिल्ड्स। जैसे एक में डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा था तो मेरे को लगा यार वहां से थोड़ा एक अच्छा हो जाएगा इंप्रेशन वगैरह, और दूसरे में सॉर्टिंग का, तो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सेम चीज हुई मेरे, सॉर्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे और वो मैंने कर रखी थी अच्छे से यार। अच्छा, मतलब सॉर्टिंग की टेक्निक्स यूज है ना वही सब? हाँ, सॉर्टिंग वगैरह उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे मेरे से, तो मैंने बता दिए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बबल सॉर्ट, आई थिंक उन्होंने बोला था कि बबल नहीं, इंसर्शन सॉर्ट का लिख के दिखाओ कोड। उससे पहले उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछ लिया था यार कि दो नंबर को स्वैप करने के कितने तरीके हैं। अच्छा, अब हाँ वहां पे मैं थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया था, मतलब यार मेरे को तो एक वही पता था जो अपना स्वैप वाला फंक्शन ऑलरेडी होता है, है ना, और एक वो ए और बी और एक हम तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं। हाँ, मतलब फिर काफी टाइम लगाया मैंने इसको। उन्होंने कहा ये तो फर्स्ट ईयर में होता है, मेरे को आता नहीं था वैसे। तो बाद में मेरे को याद आया कि यार वो क्या कहते हैं, प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं। हाँ, और बाद में और देखा तो और सीनियर से पूछा तो उन्होंने कहा जोर से भी हो सकता है, काफी सारे तरीके होते हैं इसके। बिल्कुल। तो मतलब वो जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैम ने कहा था कि चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तभी मैंने ये बता दिया था। तो मतलब वहां पे चलो हो गया था वाला क्वेश्चन। अच्छा। और उसके बाद फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट इंटरव्यू राउंड में मेरे से एक पूछा उन्होंने लिंक लिस्ट का क्वेश्चन, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, लूप इन अ लिंक लिस्ट। यार सार्थक भाई वो तो कर ही रखा होता, मतलब ऑलमोस्ट जिसने डीएससी की प्रिपरेशन कर रखी है। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ मेरे इंटरव्यू राउंड वन चल रहा था, लेकिन अब ये था कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा लेकिन वो और डीप में जा रहे थे मतलब उस टॉपिक के। तो अब जैसे मतलब उन्होंने जब क्वेश्चन पूछा तो मतलब एक तरीका क्या होता है, जैसे मतलब सार्थक भाई तुमने भी इंटरव्यूज दिए तो जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी बता दोगे तो फिर फायदा नहीं है, वो इंटरव्यू और क्वेश्चन पूछता रहेगा और वो तुम्हारे लिए एक मुश्किल हो जाती है। वो पता सबको होता है क्वेश्चन, लेकिन वही 5-7 मिनट लगाए कि क्या है लूप क्या नहीं है, क्वेश्चन पूछे तब जाके आंसर बताया। और मैंने एक गलती यार यहाँ पे क्या करी थी, मैंने है ना मेरे को 4 तरीके बताते इसके। अच्छा। कि 3-4 तरीके मैंने पढ़ रखा था कि 3-4 तरीके से बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा नर्वसनेस के चक्कर में मैंने डायरेक्ट ऑप्टिमाइज्ड बता दिया था उन्हें। ऐसे करते करते मतलब ये राउंड वन हुआ पूरा। और एक क्वेश्चन उनके बाद, उसके बाद उन्होंने और पूछा था कि जैसे स्लो फास्ट से होता है वो क्वेश्चन यार, है ना। बिल्कुल। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज था कि यार स्लो और जो फास्ट पॉइंटर है वो आपस में मीट करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। अच्छा। हाँ, तो मतलब गारंटी एक्चुअली ये होती है कि वो लूप में अगर है तो ही वो गारंटीड है कि वो मीट कर जाएंगे, और उसका एक कुछ थ्योरेटिकल भी प्रूफ है उसका एक। हाँ, थ्योरेटिकल प्रूफ है, लेकिन वो मेरे को आता नहीं था थ्योरेटिकल वाला प्रूफ। तो मतलब उत्सव ने मेरे को बोला था भाई चुप नहीं होना, तो कुछ ना कुछ मैंने बताया, कुछ ना कुछ बताया, तो हो गया था मतलब वो इंटरव्यू फिर यार। और बाकी यार इंटरव्यू वन, राउंड वन के एंड में मेरे से मतलब उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो आई थिंक यार यहाँ पे क्वेश्चंस पूछना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, उससे एक वो पता चलता है कि यार कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड और नॉट। तो मैंने भी 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए थे जिससे थोड़ा और कन्वर्सेशन एक्सटेंड हो गया था। अच्छा। तो वैसे तो यार स्टैंड मैं तो कुछ है ना स्टैंडर्ड तैयार करके जाता हूँ कि लाइक ये 4-5 क्वेश्चन है ये पूछूंगा हर बार। अच्छा, मतलब कुछ क्वेश्चंस जैसे काफी लोगों के मन में रहता है क्या क्वेश्चंस पूछने, तो सार्थक भाई जो तुमने 3-4 प्रिपेयर करे थे एक बार बता दो यार वो भी। हाँ, वो बताता हूँ। जैसे यार एक तो मैंने जो पूछा था कुछ इंटरव्यूज में कि डीएस जैसे हम इतना कर रहे हैं यहाँ पर, लीड कोड इतना प्रैक्टिस कर लिया, इंटरव्यूट कर लिया, अब वो हमारे कंपनी में, इस कंपनी में जाके कितना हम यूटिलाइज कर सकते हैं, एक वो हो गया। ठीक है, यार काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा तो मैंने कहा सही है पूछ लूँ। फिर एक वो होता है यार स्टैंडर्ड की आपकी लाइक वर्क लाइफ कैसी चलती है, आप कैसे इम्पैक्ट करते हो अपनी बेसिकली कंपनी को एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो ये क्वेश्चन बताता है। ऐसे एक दो और क्वेश्चन है तो ये मैं एज अ स्टैंडर्ड रखूँगी ये पूछूंगा। हाँ यार, वो फर्स्ट वाला तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सेकंड वाला मैंने भी पूछा था, और एक मैंने और पूछ लिया था कि मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम क्या होता है इंडस्ट्री में। हाँ, इंडस्ट्री, हाँ, ये भी है। हाँ, तो मतलब एक काफी अच्छा खासा कन्वर्सेशन हो जाता है इससे, है ना। बिल्कुल, थोड़ा टाइम भी निकल जाता है। और ये एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं भूल गया मेंशन करनी कि लाइक अगर आपको आता है तो थोड़ा टाइम लो उसको, क्योंकि इंटरव्यू एक स्पेसिफिक टाइम के लिए चलेगा ही, फिर राउंड 2। हां बिल्कुल यार, अब राउंड 2 मेरा स्टार्ट होना था 2:30 बजे के करीबन, तो स्टार्ट होता है, और वो राउंड था एचआर प्लस टेक्निकल राउंड। अब जैसे मैंने इंटरव्यू ज्वाइन करा तो वहीं एक कॉन्फिडेंटली तो मैं पूछना चाहिए यार, हेलो सर, हाउ आर यू आर डूइंग, ये सारी चीजें तो एक अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है काफी, है ना।
तो ऐसे बात स्टार्ट हुई। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो इस बार मैं कॉन्फिडेंट था यार, तो मैंने अच्छे से वो बता दिया। और उसके बाद वो मेरा रिज्यूमे देख रहे थे, तो मैंने रिज्यूमे में लिख रखा था यार मैं पावर लिफ्टिंग वगैरह भी करता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा बहुत पावर लिफ्टिंग के बारे में पूछा, थोड़ा मैंने भी बताया, थोड़ा मतलब एक अच्छा खासा कन्वर्जेशन हुआ। और मैंने सही समझा, मैंने अपना वेट लॉस वाला पॉइंट वगैरह भी इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि मतलब अगर एक टेक्निकल टाइप होता ना पूरा तो मैं शायद ऐड नहीं करता, लेकिन यहाँ पे उस हिसाब का कन्वर्जेशन हो रहा था तो मैंने सोचा यार ये पॉइंट अच्छा है एक हार्ड वर्किंग नेचर वगैरह टाइप बताने के लिए, तो मैंने वो ऐड कर दिया था वहाँ पे। तो उसके रिलेटेड कन्वर्जेशन हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा यार कोडिंग वगैरह के बारे में, मतलब मैंने खुद बता दिया था कि मैंने ये प्रोजेक्ट बना रखे हैं, वहीं वाली टेक्निक की मैं प्रोजेक्ट पे ला रहा था कैसे भी करके, कि प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछा मेरे से। तो मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने पूछे नहीं प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चंस। उनका क्वेश्चन था मेरे से कि हाँ तुमने पास्ट एक्सपीरियंसेस तुमने क्या क्या करा है अपने कॉलेज लाइफ में। तो मैंने बताया कि मतलब फर्स्ट ईयर से मैं काफ़ी एक्टिवली काफ़ी सारी चीज़ों में काम कर रहा हूँ, है ना, मतलब सेल्स में काम कर रहा हूँ, काफ़ी सारे डिफरेंट फील्ड्स मैंने एक्सप्लोर करी। तो ये सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई। उसके बाद उन्होंने पूछा डू यू रियली लव कोडिंग वगैरह, तो मैंने कहा सर मतलब हाँ मेरे को अच्छी लगती है, मैंने इतना नहीं कर रखा लेकिन मैंने रिसेंटली स्टार्ट करा है और मेरे को डीएस अच्छे से आता है, मैंने बता दिया था उन्हें। अब उन्होंने कहा चलो तुम्हें डीएस से आता तो तुम्हारी स्किल्स चेक करते हैं, तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा और वो क्वेश्चन था, उन्होंने मेरे को एक एरे टाइप करके दे दी चैट बॉक्स में। उन्होंने कहा इस एरे में जितने भी सब एरेज है ना, जितने भी सब एरेज हैं जिनका सम जीरो है, वो सारी सब एरेज निकालो और उसका फर्स्ट इंडेक्स तुम एक वेक्टर में स्टोर करवा दो। सही। तो लकीली यार ये क्वेश्चन मैंने एक दिन पहले कर रखा था, मतलब इससे सिमिलर क्वेश्चन मैंने कर रखा था। हाँ जब मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा था, तो इंटरव्यू वेट पे सिमिलर सा एक क्वेश्चन मैंने कर रखा था, मतलब ये हैशिंग से होना था क्वेश्चन वैसे, है ना, हैश मैप का क्वेश्चन है और उसमें थोड़ा सा वेरिएशन डाल दिया कि फर्स्ट इंडेक्स भी दे दो, है ना। हाँ 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 फर्स्ट इंडेक्स भी दे दो, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत थी। तो फिर वो मैं डायरेक्ट हैशिंग वाले उस पर आ गया था, मतलब कि हैश मैप बना के इसका सोल्यूशन निकालना। अब मैंने कोड, तो उन्होंने मेरे से कोड लिखवाया था, रन नहीं करवाया कोड मेरे से, लेकिन उन्होंने ड्राई रन करवाया था कोड यार। उसके बाद भी हाँ उसके बाद एक और चीज हुई थी यार, ये तो कोडिंग क्वेश्चन हो गया और इंटरव्यूअर बहुत सेटिस्फाइड, मतलब उनको मजा सा आ गया था सोल्यूशन वगैरह देख के, सारी चीजें देख के। अब लकीली यार उन्होंने मेरे को ऑप्शन दिया कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से आता है। अच्छा। तो यहाँ पे यार एक काफी सही था, मैंने कहा मेरे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काफी सही से आता है, तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, चलो अब सेकंड सब्जेक्ट तुम्हें कौन सा फेवरेट लगता है, तो मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दोनों चीजें तो मैंने अच्छे से कर ली थी, मतलब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से सारी चीजें समझ ली थी। अब अगला क्वेश्चन यार उन्होंने मेरे से पॉलीमॉर्फिज्म पूछा, पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बता दे यार, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म के क्वेश्चन से। मतलब ये पॉइंट मेरे को उत्सव ने बता के भेजा था कि यार वो एक चीज पूछे तो तू भर के बताइए। तब तो मैंने स्टार्ट करा पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम, कंपाइल टाइम, उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरराइडिंग, वर्चुअल फंक्शन, इनहेरिटेंस वगैरह सब बता दिया और अच्छे से एग्जांपल देके। बहुत सही। तो ये था। और यार सार्थक भाई मतलब जैसे मेरे को है ना काफी डाउट था कि हमें क्या मतलब डेफिनेशंस बतानी पड़ती है या क्या बताना पड़ता है, तो कुछ नहीं यार, मतलब जैसे जो लोग देख रहे हैं यार तुम्हें खाली समझाना, तुम्हें भावना समझानी पड़ती है कि हो क्या रहा है वहाँ पे, है ना, मतलब। और एक लास्ट चीज वही थी यार, उन्होंने मेरे से पूछा था क्या तुम्हें TCP IP ये सारी चीजें आती है क्या। मैंने कहा मतलब सर हाँ, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स की थी और मैंने पढ़ नहीं रखा था, तो मैंने बोल दिया सर आई एम नॉट फेमिलियर विद कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, सही है, हाँ मतलब कलर ऑलमोस्ट, मतलब अननेसेसरी ट्राई मत करो नहीं पता तो, है ना। मतलब यार मेन चीज है ना इंटरव्यू में अगर तुम डेफिनेशन बता भी दोगे ना तो घुस के पूछेंगे उसमें से, और फायदा नहीं है मतलब वो फेक करने का, है ना। बिल्कुल। तो काफी इम्पोर्टेंट वो चीज मेरे को लगी, मतलब जब तक अच्छे से नहीं पता तो वहां पे दिक्कत होने वाली है फिर। तो भाई अब कुछ है ना, मैं कुछ थोड़ा सा रिसोर्सेज के बारे में बता दूं, जैसे HR देखो DS से हम कर लेते हैं, सब्जेक्ट्स भी हमारे बेसिकली सब उसका कॉलेज करिकुलम का पार्ट होता है तो वो भी हो जाते हैं। एक HR का थोड़ा सा एक लिंक्डइन का एक पोस्ट है भाई, अगर तुमने उसमें से देखा हो, लिंक्डइन का एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, मतलब हमने सच उससे प्रिपेयर किया था, उसमें से सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं HR में। तो अच्छा मैंने देखा नहीं यार वाला पोस्ट ऐसे। अच्छा तो मतलब काफी अच्छी पोस्ट है, वो मैं शेयर कर दूं आपके साथ यार। AKS ड्राइवर भैया की शीट, टेक यू फॉरवर्ड करके उनका चैनल है। हां उनकी 180 क्वेश्चंस की शीट। तो मतलब यार जब मैंने स्टार्ट करा तो वो मेरे को सबसे ज्यादा फिजिबल लग रही थी कि यार 180 तो मेरे को हजम हो रहा था, मैं कर लूंगा।
तो वो मैंने करा, और साथ ही साथ यार इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो मैं जरूर बोलूंगा यार, अगर कोई भी प्रिपेयर कर रहा है तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो जरूर बढ़ो यार, कि क्वेश्चंस मतलब यार सार्थक भाई मेन स्टैंडर्ड ही तो पूछते हैं क्वेश्चंस, है ना। इंटरव्यू इतना टफ नहीं होता जितना कोडिंग राउंड निकालना टफ होता है यार। डेफिनेटली यार, ये तो मैं मानता हूं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस प्लस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बेस्ट है, सही है। हां यार इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो मैं भी मानता हूं यार राजा भाई, मतलब हर सही में एक एक दो दो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं रोज करता था 30-40 दिन जो मेरे लास्ट बचे थे, और काफी सही हो गया था ना यार, एक कंप्लीट वो आ जाती है, डीएसए भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, और क्या पूछते हैं आइडिया हो गया, कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल 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 yes, बाकी सार्थक भाई तुमने तुम कुछ टिप्स वगैरह मतलब जैसे यार तुमने काफी इंटरव्यूज दिए, तो ठीक है, तो भाई मतलब मैं अपनी तरफ से अगर कुछ बताना चाहूंगा तो वो है कि डीएसए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने तो यार मेनली इंटरव्यू पे किया है काफी ज्यादा, ठीक है, बट इंटरव्यू पे थोड़ा सा मेरे को प्रैक्टिस का इशू रहता था, प्रैक्टिस कम रहती थी मैंने, क्योंकि मेरा चैनल भी तो पता होगा कि पूरा इंटरव्यू बिट बेस्ड है, कि सारे इंटरव्यू के सॉल्यूशन मैंने डाल रखा है, तो वो सीन है, और थोड़ा सा मेरे को प्रैक्टिस का उसमें कम लगता है, कि कम प्रैक्टिस हो पाती है, वेरिएशन नहीं मिल पाती क्वेश्चन की, तो मैंने लीड कोड अपना 500-600 क्वेश्चन वहाँ पे किए, और कुछ जैसे जीएफजी पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, तो ये मेरा कम्प्लीटली डीएसए का था। थोड़ा बहुत कोड फोर्सेस कोड शेप किया, बट बहुत ज़्यादा नहीं किया फ्रेंकली, कॉम्पिटेटिव मैंने नहीं करिया, तो ये डीएसए बेस्ड था मेरा। फिर यार कुछ कंपनी जैसे ना सिस्टम डिजाइन भी पूछ रही थी यार, इंटरव्यू एक्सपीरियंस इंटरव्यू है ना, तो मैंने अब सिस्टम डिजाइन में भी पता है दो पार्ट्स होते हैं, एक लो लेवल और एक हाई लेवल डिजाइन है ना, तो हाई लेवल के लिए तो मैंने गौरव सेन की प्लेलिस्ट और जीएफजी रेफर किया, और लो लेवल के लिए यार मेरे को ज्यादा रिसोर्सेज नहीं पते थे। लो लेवल मतलब ऐसा जो कोड लिखना है, जैसे तुम्हें ऊबर डिजाइन करना है कोड लिख के दिखाओ, क्लास वाइज राइटर की क्लास बनाओ, जैसे मेरे से चेस गेम पूछा था एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस में, तो मैं नहीं बना पाया था चेस, मतलब इम्प्लीमेंट कर दो लो लेवल डिजाइन, तो मैं नहीं कर पाया था अपने इंटरव्यू के टाइम पे, तो मेरे को काफी लगा कि यार लो लेवल करना चाहिए, तो फिर मैंने थोड़ा सा एक उदित अग्रवाल की एक प्लेलिस्ट है वो मैं शेयर करूंगा, है ना, तो वो थोड़ी बहुत फॉलो करी, तो उससे काफी हेल्प हुई मेरे को भी काफी सारे इंटरव्यूज में, तो ये बेसिकली सिस्टम डिजाइन था। फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए यार मैंने फराज भैया की शीट फॉलो करी थी, काफी और अच्छे क्वेश्चन है वो, है ना, और टीवीएमएस ओएस और रूप से यार मैंने काफी अच्छे से अपने कोर्स कैरिकुलम में किए हुए थे, उन्हीं को रिवाइज किया, संजय जैन की वीडियोस देख रखी थी, संजय काफी सही है, और थोड़ी बहुत गेट्स मैशर्स की देख रखी थी, तो ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा कम्प्लीटली था, और इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो भाई सब कुछ था, ऐसा था। हाँ बाकी यार मतलब जो इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं एक चीज़ और ये बता दूँ यार, मैंने जैसे काफ़ी लेट स्टार्ट करा, तो तुम ये सोच रहे हो कि मतलब यार मैं भी मजे लेता हूँ फुल, फिर एंड में स्टार्ट करूँगा, देखो यार लक भी होता है और थोड़ा वो भी होता है ना, एफर्ट भी होता है, लेकिन काम दोनों चीज़ें करती हैं, मतलब जैसे यार वो होता है अपना और नहीं एंड गेट होता है जो अपना, लेकिन जब लक और तुम्हारा एफर्ट दोनों मैच करेंगे तब जाके वो निकलती है यार कंपनी, है ना, तो इसलिए प्रिपेयर थोड़ा पहले से स्टार्ट करना कर देना काफी सही रहेगा, थोड़ा कोडिंग लंबा प्रोसेस है, कंसिस्टेंट नहीं हो पाते ज्यादा, ये सीन रहता है, वही चीज वही चीज। और मैं सार्थक भाई सही बताऊं यार, वो कंसिस्टेंट वाला ही फैक्टर था यार मेरे साथ तो बहुत ज्यादा, स्टार्टिंग में मतलब दो दो घंटे बैठता था तो दिमाग सा खराब हो जाता था, फिर वही एक हफ्ते बाद बंद कर दी, एक हफ्ते बाद बंद कर दी, भाई पता है मतलब सेम मेरे साथ होता था, बिल्कुल सेम बिल्कुल मेरे साथ होता था, बट मैंने ना ऐसे मतलब मेरे ना हमारे कुछ थोड़े बहुत दोस्त हैं उनके साथ मैं ना बैठ के, लॉकडाउन ने काफ़ी हेल्प किया, सारा दिन बैठ के हम कोडिंग करते थे और आपस में कुछ डिस्कस करते थे ना, तो ज़्यादा सही रहता था यार ये दोस्त वाला पार्ट, सही में काफ़ी सही है, मतलब मैंने सोचा था अगर मैं अकेले स्टार्ट करूंगा ना कोडिंग करना तो भाई दोबारा वही दो हफ्ते चलेगी और बंद हो जाएगी, तो मैंने अपने एक और दोस्त पकड़ा, तो वो अपने दोस्त वो सॉफ्टवेयर का लड़का है शिवांग, तो उसके साथ मजा आ गया था भाई कोडिंग करने में, तो ये एक काफी सही चीज थी यार, मतलब पेयर प्रोग्रामिंग है तो जो भी देख रहा है वो कर सकता है, ये पेयर प्रोग्रामिंग का काफी तगड़ा कॉन्सेप्ट है, मजा सा आ जाता है करने में, तो ये और ऐसे दोस्त मत बना लेना भाई जो कोड फोर्सेस कोड शेफ पे ऑलरेडी डी कर रहे हैं, मतलब तुम स्टार्ट कर रहे हो और वो कर रहे हैं, तो उससे डिमोटिवेशन ना हो, तो अपने उसका लेना ठीक है। और भाई जब प्लेसमेंट लगती है ना, वो सारी जो जितनी मेहनत है ना, ऐसे लगता है कि भाई हो गया बस, अब सब वसूल हो चुकी है, सही में भाई सही में, बहुत बहुत तगड़ी फीलिंग होती है यार, बिल्कुल, तो ये कम्प्लीटली सीन था यार हमारा, है ना। बाकी यार सार्थक भाई की वीडियो देखते रहो यार, सार्थक भाई खुद बहुत तगड़े बंदे हैं, टॉप कोडर, तो तो
भाई ये सीन था। एंड अच्छा लगा, सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम लिंक्डइन के लिंक भाई के भी डिस्क्रिप्शन में, रेफरल चाहिए होगा कंपनी का भाई दे देंगे, है ना। और बिल्कुल यूट्यूब भाई यूट्यूब का भी लिंक है, भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना। एंड इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय अजय भाई, जरूर कर देना भाई, ठीक है, ओके यार, बाय। थैंक्स भाई फॉर डूइंग दिस। अरे मजा आ गया यार सही में आज। ओके।